हाय गाइस, मेरा नाम है शमी छाबड़ा और मैं मुंबई में रहता हूँ बेसिकली, और दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूँ, और बाय प्रोफेशन आई एम फिल्म डायरेक्टर एंड एड मेकर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, जो फैक्ट्स हैं कुछ शायद आपको ही मालूम होगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ एक आई थिंक एक कार्ड की तरह है, देखा जाए तो एक लाइफ, और उसके अंदर देखा जाए तो वाइफ जो आती है वो एक मेमोरी कार्ड की तरह है, वो कभी भी कुछ नहीं भूलती, आपको मालूम नहीं होगा। पति एटीएम कार्ड की तरह, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों एक्चुअली, वो कुछ भी कर ले उसका जाना ही नहीं। पेरेंट्स माँ बाप आधार कार्ड की तरह है, हमेशा सपोर्ट में आएंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड, साली देखा जाता वो रिचार्ज है, रिचार्ज कार्ड होता है ना इसको हम बोलते हैं, वो है। पड़ोसन ग्रीटिंग कार्ड है, देख देख के खुश होते जाओ बस। बच्चे आई कार्ड है, और साला कुछ मैरिड लोग हैं वो अब सोचने वाले क्या है, साला एक्चुअली में फर्जी कार्ड है, सबसे ज़्यादा जो लोग चलते हैं उनमें सालों से चलते। तो ये कॉमन चीज़ें हैं देखा जाए तो, और कुछ बातें हम और अभी और करते हैं, जैसे सच्चे दोस्त होने चाहिए। अब सच्चे दोस्त कब काम आते हैं देखिए लाइफ में, जब आपकी बीबी आपके पिछवाड़े पर लात मार दे और आपको सोने का कोई और सहारा मिले, सहारा नहीं मिले तो फिर आपको अपना दोस्त चाहिए। अगर आपके घर में करेला बनाए, दूधी बनाए, घिया बनाए, टीना बनाए और आपको चिकन खाने का मूड है, तो आपका सच्चे दोस्त का एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के दारू पी सकते हो और चिकन खा सकते हो। अगर आपने अगर ध्यान दिया हो तो लड़कियाँ सेल्फी आजकल बहुत क्रेज़ चला हुआ है, आजकल सेल्फी बनाने में ऐसा चोंच बनाती है, ऐसा अपने लिप्स को ऐसे करती हैं, पाउच देती हैं, कि जो बगुला है, बगुला के बारे में सुना होगा, मतलब बगुला भी मछली निकालने के लिए पानी से वैसी चोंच नहीं बना पाता, सोच ली इतनी चोंच बाहर निकाल लेती है अगर ध्यान दिया जाए तो। मतलब अलग ही अलग टाइप की चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर देखा जाए तो आदमी आज के वक्त में बहुत सुखी है। क्यों सुखी है? व्हाट्सएप ने सुखी कर दिया। मैरिड आदमी सबसे ज़्यादा सुखी है क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी माँ दोनों ही व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, दोनों ही फेसबुक पे लगे हुए हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा अगर करना होता तो वो व्हाट्सएप पे कर लेती हैं, और उनको उसी से शांति मिल जाती है कि अगर फेसबुक पे किसी ने फ़ोटो डाली और उसको लाइक्स कम मिले तो बदला पूरा हो जाता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं अगर देखा जाए। देखिए आजकल कुर्बानी के मायने जो है ना वो बदल गए हैं। पहले सुनते थे उसने कुर्बानी दे दी, लड़का लड़की ने एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे दी, या पेरेंट्स ने ऐसी कुर्बानी दे दी। मतलब आज के टाइम में, आज मॉडर्न डेज है, कलयुग है, तो कुर्बानी के मायने, हर चीज़ के मायने बदले हैं, तो कुर्बानी के मायने बदलेंगे। आज के टाइम में सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? अगर किसी का फ़ोन चार्ज पर है, उसका चार्जर उसके फ़ोन से निकाल कर अपने फ़ोन में, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है क्योंकि फ़ोन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। आज के टाइम में अगर देखें बहुत ज़्यादा चीज़ है, और इससे बता रहा हूँ कमाल की, जिसने चार्जर दे दिया मतलब उसे वो लड़की पड़ जाती है। मतलब एक चार्जर को देना, मतलब आज के टाइम में लड़के पटा रहे हैं लड़कियों को, मतलब कमाल की बात। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस इवनिंग।